तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी बज चुके हैं 5:30 और हम लगभग 4 बजे उठ गए थे। आज ठंड भी काफ़ी है और रात को बारिश भी बहुत हुई है, ठंड काफ़ी हो रखी है। मतलब कि आज नहाने में जैसे बोलते हैं ना ठंड लग रही थी, वो ही ठंड लग रही थी आज। और सब नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पिछले 3 दिन भाई बैठे हैं और आर्यमन बैठा है, सब नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। इधर विकास जी बैठे हैं और अभिषेक जी बस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बाल बारे हैं। और थोड़ी देर अब करेंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद यज्ञ चलेंगे, उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या करना है। आज की तो पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया होगी, कल तो कार्य काफ़ी सारा करा हमने और मज़ा भी काफ़ी सारा आया कल, आज देखो क्या होता है। तो अब थोड़ी देर कर लेते हैं मेडिटेशन और उसके बाद चलेंगे यज्ञ में। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं। तो यज्ञ में से आ चुके हैं और अब करते हैं सुबह का नाश्ता, प्रातराश। तो नितिन भाई बैठे हुए हैं और ये कुश आया हुआ है, कालवा गाँव से ही है, ये अभिषेक जी है। और ये नाश्ता रखा है दलिया, वो नितिन भाई का, और अभिषेक जी का भी आने वाला है और कुश भाई का भी आ रहा है। तो अब कर लेते हैं नाश्ता। और दलिया जो है बड़े स्वादिष्ट लगता है, गुरुकुल का वो कहते हैं ना, गुरुकुल का दलिया जिसका लग जाए उसका शरीर बन जावे, तो वही वाला काम हो रहा, बड़ा ही स्वादिष्ट दलिया है। हाँ, अभिषेक जी की भी प्लेट आ चुकी है, इसमें दलिया है। मिलता होगा तो अब जी। कर लेते हैं नाश्ता। दलिया बड़ा ही स्वादिष्ट बना हुआ है, देखो ये इसमें मखाने डले हुए हैं, ये काजू है, और ये तो पता नहीं लग रहा शायद किशमिश चाहिए वाली, और थोड़ा शायद इसमें बाजरा भी डला हुआ है। बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है और ताकतवर भी है, पौष्टिक ही बहुत ज़्यादा है। और इधर नितिन भाई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने की तैयारी में है। इधर नाश्ता शुरू हो चुका है तो अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी नाश्ता हो चुका है, प्रातराश हो गया है और प्लेट भी तो खाली कर दी है। और नितिन भाई का भी हो चुका है, अभिषेक जी का भी हो गया और उसका भी हो चुका है, सब ने प्लेट खाली कर दी। अब प्लेट को धोने के लिए जाएंगे और उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना घंटी बज चुकी है और उसके बाद थोड़ी देर कार्य करेंगे। शायद अब क्या कार्य होगा वो तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा, क्या क्या कार्य मिलेगा, क्योंकि कल तो जो अतिथियों की व्यवस्था हमें करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी, वो तो हो चुकी है। आज कुछ अलग ही कार्य हमें मिलेगा, क्या मिलेगा वो तो देखो अभी कह नहीं सकते, अब इसके प्रार्थना में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो भाइयों, हमने अभी दोपहर का तो भोजन कर लिया है और गुरु अग्निदेव आर्य जी है हमारे साथ, अभी हमारे कमरे में आए थे तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो बना ले। तो भाइयों, अभी हम गुरुकुल कालवन में ही है और यहीं से ही मैंने अपना व्यायाम वगैरह करना शुरू करा और ब्रह्मचर्य के बारे में मुझे यहीं से ही पता चला। भाइयों, मैं यहाँ पर 2-3 महीने तक रहकर गया था जब लॉकडाउन लगा था। तो आचार्य जी को मेरा नमस्ते, नमस्कार नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो जी तो सुबह का नाश्ता करके बाहर घूमने के लिए आए हैं और बाहर काफ़ी ठंड भी है आज, कोहरा देखो आपको दिख रहा होगा। और सारे भाई खड़े हैं, सभी नाश्ता करके आगे, कुछ भाई भी आया हुआ है। और आप एक बार कोहरा देखो कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, क्योंकि रात को यहाँ पर बारिश हुई थी तो बारिश के कारण कोहरा तो आना ही था, फिर सीधी सी बात है। तो अभी थोड़ी देर घूमते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर क्या पुस्तक पढ़ेंगे या कुछ कार्य करेंगे, अंदर जाकर ही पता लगेगा। तो अभी शाम का समय हो रखा है और शाम का समय कुछ देर अभी फ्री था तो हम आए हुए अखाड़े में, और अखाड़े में नितिन भाई व्यायाम कर रहे हैं। तो इन्होंने टायर रख रखा है, उस पर टायर लेकर चक्कर काट रहे हैं, इससे शरीर बढ़िया गर्म रहता है और स्टेमिना भी बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है इससे। मारो सेट।
अभी भोजन हो चुका है और आज काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, जो जो उसमें जिसको बोलते हैं ना, जो जो उसमें एक्सरसाइज तो कर ली, तो आज भाई साहब की काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, जो जो उसमें कर तो ली, लेकिन अब जो कंधे हैं और भाई साहब अकड़ रखे हैं काफ़ी, लगाई भी नितिन भाई साहब थोड़ा ज़्यादा ही लगाई और युवराज भाई साहब तो काफ़ी ज़्यादा लगाई, पर ये है भाई देखो अपना भाईचारा होना चाहिए, हार जीत तो चलती रहती है, बराबर बराबर सब सेम ही है, वो भी कुछ समय तक प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे, प्रैक्टिस तो मैं भी काफ़ी समय मैं तो करी ना प्रैक्टिस, ये भी पहलवान है तो उसमें अभी देख लिया आपने क्या रिजल्ट रहा। तो आज दिन में काफ़ी मजा आया, काफ़ी कार्य भी किया और अभी थकान भी काफ़ी हो रही है, थोड़े थोड़े कंधे भी कट रहे हैं और बाइसेप भी कट रखा है क्योंकि जो जो उसमें मार देते हैं डंबल। तो अभी सोने का टाइम हो रहा है, आपने वीडियो देखी उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। कर लिया है और गलती तो हो गई यार।